Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 12, Application of Trigonometry. Or exercise, chapter number 12 ki exercise, last exercise 12.8 hum solve kar rahe hain. Pichle lecture mein humne question number 6 tak yani ki hum solve kar chuke hain. Theek hai? To ab hum next क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बता दिया गया है कि ट्रायंगल जो है आपकी अब इक्विलेटरल है. ठीक है, उसमें आपने प्रूफ करना है कुछ. और प्रूफ करना क्या है? वो प्रूफ करना है आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो आर वन इज इक्वल टू वन रेशियो टू रेशियो थ्री. ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है. यहाँ पर वन रेशियो टू रेशियो थ्री इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर वन की जो रेशियोज हैं आपस में उसको प्रूव करना है वन रेशियो टू रेशियो थ्री के इक्वल. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि एक तो हमें सबसे पहले बताया गया है कि आपकी ट्रायंगल जो है वो है इक्विलेटरल, और दूसरा ये कि हमें अगर इनकी रेशियोज फाइंड करनी है तो हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए. ठीक है, तो यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता हो, कैपिटल आर की, आर वन की, लेकिन यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं गिवन. ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो उसके लिए देखें स्मॉल आर किसके इक्वल होता है. स्मॉल आर इक्वल है डेल्टा ओवर एस. अब यहाँ पर हमें डेल्टा भी नहीं पता. ठीक है, तो डेल्टा हमें फाइंड करना पड़ेगा. डेल्टा इक्वल होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट. ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हमें एस चाहिए, एस भी हमें नहीं पता, तो एस हम फाइंड कर लेते हैं. एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इसके इक्वल होता. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है. एक चीज़ तो ये है कि हमें ए बी सी यानी कि तीनों साइड्स की वैल्यूज़ भी नहीं पता. अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व करें? क्या ये हम इसी तरह से पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू एरिया की फार्मूला में, और फिर एरिया का फार्मूला उसी तरह से हम इसमें पुट कर दें? नहीं, उससे पहले हमने ये देखना है कि हमें गिवन क्या था. हमें गिवन था कि हमारी ट्राइंगल जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब कि तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो लेट हम कर लेते हैं कि लेट साइड वन इज इक्वल टू, साइड वन इज इक्वल टू ए है, तो फिर साइड टू जो है, साइड टू वो भी ए ही होगी क्योंकि इक्वल होंगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में. तो इसी तरह से साइड थ्री भी इज इक्वल टू ए होनी चाहिए. तो यहाँ से अब हम इसमें यानी कि पुट कर देते हैं ए ए ए, तो एस इक्वल किसके हो जाएगा, एस इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय टू यानी कि थ्री ए डिवाइडेड बाय टू के. ठीक है, एस हमारे पास ये आ गया. अब हम इसको, इस एस की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं एरिया के फार्मूला में ताकि हमारे पास डेल्टा आ जाए. ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू एस यानी कि थ्री ए डिवाइड बाई टू इंटू एस माइनस ए, थ्री ए डिवाइड बाई टू माइनस ए, थ्री ए डिवाइड बाई टू माइनस ए, थ्री ए डिवाइड बाई टू माइनस ए. ठीक है, और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट. अब यहां से देखें तो इसका होल क्यूब बन जाएगा, ये 3a डिवाइडेड बाई टू माइनस ए का होल क्यूब इंटू 3a डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर रूट. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है यानी कि हमने डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला में
हमने s की वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये बना, यानी कि s इंटू एस माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, वो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका हम एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम 2 आ जाएगा 3a माइनस 2a, ठीक है, 3a माइनस 2a जो कि a के इक्वल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली a ही लिख देता हूँ, a डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3a डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर है इसके स्क्वायर रूट। अच्छा, आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं देखें, अगर मैं इसके ब्रैकेट भी ओपन करता हूँ तो ये a क्यूब आ जाएगा और 2 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये a क्यूब और 2 के ऊपर भी पावर 3 अलग-अलग, यानी कि मैं पावर्स को अलग-अलग मैंने कर दिया। अब क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3a 4 बन जाएगा और ये 2 पावर 4 बन जाएगा और ऊपर है स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट आप अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 2 पावर 4 था ना, 2 स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट की वजह से, यानी कि इक्वल आ चुका है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस डेल्टा की वैल्यू को यूज करेंगे जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। क्या फाइंड करना चाह रहे थे हम? आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है कि वो इक्वल है डेल्टा बाय एस के। तो डेल्टा हम फाइंड कर चुके हैं 3 का स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय एस। एस हमारे पास क्या है? एस हमने जो फाइंड किया हम देख लेते हैं, एस हमने फाइंड किया 3a डिवाइडेड बाय 2, तो वो भी हम पुट कर देते हैं 3a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, चलिए हम यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इसको। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3a। ठीक है, 2 जो 4 और a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो r की वैल्यू बनेगी वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये r इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि a 3 की पावर 1 है नीचे, तो ये 1 बाय 2 ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आके माइनस 1 बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, और 1 माइनस 1 बाय 2 इज a ओवर 3 पावर 1 बाय 2। ठीक है, यानी कि a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है स्मॉल r की। ठीक है, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलें, स्मॉल आर तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने और क्या क्या फाइंड करना है, किस किस के दरमियान हमने रेशियो फाइंड करनी है। एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर है। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू भी होनी चाहिए। कैपिटल आर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ठीक है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। अब यहाँ से हमें पता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों साइड्स हमने ए ली हुई हैं, ए इंटू ए इंटू ए डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास टर्म बनेगी ए क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो a बन जाएगा। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या बनी? a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, स्मॉल R की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, स्मॉल R को एक दफा फिर देखते हैं। स्मॉल R हमने देखा था
अब यहाँ से हमने कैंसिल आउट किया था ना, ये टू टू ज़ा फोर, ठीक है, तो ये टू बचा था, ये यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टू साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू, और कैपिटल आर की वैल्यू है ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इसके अलावा हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास होनी चाहिए आर वन की, ठीक है, आर वन इज इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, और एस की वैल्यू है थ्री ए डिवाइडेड बाय टू माइनस ए। इसको अब हम सॉल्व करेंगे आर वन के लिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट में आएगा आर वन की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आर वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए डिवाइडेड टू। अच्छा, मैं ये सॉल्व भी कर देता हूँ किस तरह से आएगी, इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम आ जाएगा टू, ठीक है, थ्री ए माइनस टू ए यानी कि ए बाय टू, तो इसकी जगह ए ही लिख देते हैं हम, ए डिवाइडेड बाय टू, ये डिवाइड का साइन है, अगर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो टू डिवाइडेड बाय ए बन जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय ए, ए इससे कैंसिल, टू टू ज़ा फोर, और हमारे पास जो बना स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, तो ये जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आर वन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल आर की भी आ गई, अब इनके हम रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, हमें रेशियो चाहिए आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर वन, ठीक है, तो आर पहले आर और कैपिटल आर की रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या बनेगी, आर की वैल्यू हमारे पास है ए डिवाइड बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ए डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री रेशियो कैपिटल आर, कैपिटल आर है ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ठीक है, तो अब हमने इनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है, तो ये क्या बनेगी, ए ए से कैंसिल आउट स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से कैंसिल आउट, वन बाय टू रेशियो वन, टू से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको तो वन रेशियो टू, वन रेशियो टू, ठीक है, तो यानी कि आर और कैपिटल आर के दरमियान वन रेशियो टू है। अब हम यानी कि पहले मैंने ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट कर लिया, अब ये दो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो कैपिटल आर और आर वन के दरमियान रेशियो क्या बनती है वो देख लेते हैं, कैपिटल आर और आर वन, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास है ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, और आर वन की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, उससे पहले ए ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वन आ गया, और यहाँ पर थ्री डिवाइडेड बाय टू। अब इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई करने के लिए टू से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टू रेशो थ्री आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन, ठीक है, आर और कैपिटल आर के दरमियान रेशो क्या है, आर और कैपिटल आर के दरमियान रेशो जो हमने फाइंड की वन रेशो टू है, वन रेशो टू, और जो कैपिटल आर और आर वन के दरमियान है टू रेशो थ्री है, टू रेशो थ्री, तो इनकी रेशो ये बनी, यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं।
R ratio capital R ratio R1 is equal to 1 ratio 2 ratio 3 है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट इसका आप खुद से ट्राई कीजिए, वो बिल्कुल आसान पार्ट है इसका, ठीक है। तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट ऑफ अल्फा बाय 2 इनटू कॉट ऑफ बीटा बाय 2 इनटू कॉट ऑफ गैमा बाय 2, ठीक है। तो ये हमने जो है वो फाइंड करना है, यानी कि प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो डेल्टा है, राइट हैंड साइड जो है वो आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 इनटू कॉट गैमा बाय 2 है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है आर स्क्वायर इनटू कॉट अल्फा बाय 2 इनटू कॉट बीटा बाय 2 इनटू कॉट गैमा बाय 2, ठीक है। अब यहां पर हमने डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हैं, आर है, ठीक है। आर का फार्मूला हमें पता है डेल्टा बाय एस होता है, तो इसकी जगह मैं डेल्टा बाय एस पुट कर देता हूं। डेल्टा बाय एस का स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट ऑफ हाफ एंगल, हाफ एंगल हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है। उसकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कॉट का मैं यहाँ लिख देता हूँ एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि टेंजेंट का इनवर्स होता है, डिवाइड बाय एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। इसी तरह से कॉट बीटा बाय 2 है, कॉट बीटा बाय 2 की वैल्यू होती है या फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। और थर्ड वन है कॉट गैमा बाय 2, उसका फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइड्स एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो है फार्मूलाज हमने पुट कर दिए, हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ किए, फिर आर का फार्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ये आ चुकी है टर्म, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ही सिंगल क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक सिंगल स्क्वायर रूट में इसको मैं पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर इंटू एस इंटू बल्कि एस क्यूब हो जाएगा इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये तीन एस है ना, एक एस दो एस तीन एस, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एस क्यूब बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप देखें एस माइनस बी भी दो दफ़ा है, एस माइनस ए भी, एस माइनस सी भी दो दफ़ा है, तो इनके स्क्वायर स्क्वायर्स बन जाएंगे एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आगे अच्छा इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। तो अब इसको हमने जो है मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। देखें इसका अगर स्क्वायर्स आप देखें तो हर एक टर्म के ऊपर स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर इंटू एस क्यूब डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या टर्म आ रही है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर इसको हम एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेल्टा स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको या फिर स्क्वायर रूट पहले से है तो उसको हम डेल्टा कह देंगे। तो हम इस तरह से करते हैं कि डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, एस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो एस स्क्वायर बन जाएगा,
और इसका स्क्वायर रूट, ये तो पूरी की पूरी टर्म जो है वो डेल्टा के इक्वल है, ठीक है। ये डेल्टा इसके स्क्वायर से कैंसिल, यह स्क्वायर इससे कैंसिल, और हमारे पास जो फाइनल टर्म आ रही है वो है डेल्टा, ठीक है। तो हमने यही यहाँ पर प्रूव करना था। अगर आप इक्वेशन अपनी देखें तो राइट हैंड साइड हमने ली थी और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डेल्टा है, यानी कि इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और हमने राइट हैंड साइड ली थी, ठीक है। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया है डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय टू इंटू कॉट बीटा बाय टू इंटू कॉट गैमा बाय टू। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।